हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो जो है गाइज थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा स्पेशली, क्योंकि आज मैं आपको जो है बताऊंगा कि आप लोग जो है एरिना के फाइट कैसे जीत सकते हो। तो ठीक है, मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देख लिया, पर कोई भी आपको ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा है कि एरिना का फाइट कैसे जीते। तो ठीक है, सबसे पहले तो इधर को आपको जो है एरिना का फाइट जो है स्टार्ट कर लेना है। तो ठीक है, मैंने स्टार्ट कर लिया है और अभी आप देख सकते हो कि मेरा हाथ में स्पेयर है। तो अगर आप शील्ड के बटन में जो क्लिक करोगे ना, तो आपका जो है इधर से ऐसे जो है ये रेड आ जाएगा और इस इधर से ऐसे आपको जो है मारना है। तो ठीक है, अभी जो है मैं आपको जो है गेम खेलते खेलते आपको समझाऊंगा कि क्या क्या करना है। तो ठीक है, और हाँ, आप जो है एक चीज़ याद रखना भाई, आपके पीछे कोई नहीं लग सके, आपके आगे से अगर अटैक करे तो कोई बात नहीं, पर पीछे से कोई भी आपके पीछे ना लगे, क्योंकि अगर आप कहीं भी अटक गए ना तो समझ लो कि आपका जो है अंतिम बार आप जो है अटक चुके हो, क्योंकि अगर कोई आपका पीछे लगा हुआ है ना तो उसको जो है आपको मारना ही है। तो ठीक है, अभी इधर को देखो आप, ये जो फाइट हो रहा है ना, आपको जो है ऐसे सीन में भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखना है भाई, जैसे ही कोई फाइट दिखे वैसे ही घुस पड़ो भाई। अगर आप ऐसे फाइट में घुस पड़ोगे ना तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और फिर आपको जो है एक ही जगह पर नहीं रुकना है। ये देखो, मैंने जो है एक ही जगह पर रुकने की गलती कर दिया था, तो अभी आप मेरा हेल्थ देखो एक बार कितना कम हो गया है भाई, क्योंकि एक बंदे ने आकर जो है मुझे जो है पीछे से मार दिया था स्पेयर से, और अच्छा हुआ कि मैं मरा तो नहीं, पर मुझे जो है इतना ज़्यादा डैमेज लग गया भाई। तो आपको भी करना यही है कि भाई एक जगह पर ना रुको, ज़्यादा देर तक ना रुको, और अगर आप किसी वजह से जो है अटक गए ना किसी जगह पर, तो देखो कि पीछे कोई बंदा आ रहा है या फिर नहीं। अगर कोई पीछे आपको बंदा दिखे तो भाई घोड़ा छोड़ के भाग जाओ, बाद में निकाल लेना, पर आपको जो है एक ही जगह पर नहीं अटकना है गाइस, इस चीज़ के ऊपर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है, अभी आप जो है ऐसे जो है अटैक कर सकते हो, और फिर याद रखो कि भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइड से या फिर पीछे से इनके ऊपर अटैक करो, क्योंकि आगे से चांस होता है कि आप भी मारे जाओ। तो ठीक है, अभी जो है हमारा फाइट हो रहा है गाइस, और अभी मैंने आपको जो है यही छोटा सा एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था गाइस। आई होप कि आप लोग जो है एरिना फाइट क्या है, कैसे करना है, क्या होता है, ये समझ गए होंगे, क्योंकि एरिना फाइट जो है ऐसा चीज़ है ना कि भाई अगर आप जो है एक बार एरिना का फाइट करना सीख गए ना, तो आपका आपके पास अगर 10,000 हुआ ना, तो आपके जो है 20,000 आप आराम से कर लोगे 6-7 मिनट में। और इस 20,000 के लिए आपको जो है फाइट करना पड़ेगा, एक बड़ा सा फाइट करना पड़ेगा जो कि 14-15 मिनट का होगा, और ऐसे ही आप जो एरिना फाइट करके 7-8 मिनट का एरिना फाइट करके भी उतना पैसा कमा सकते हो। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में जो थोड़ा सा जो है एरिना फाइट क्या है, क्या भी नहीं के साथ आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया गाइस, क्योंकि मैंने जो है कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखा एरिना फाइट के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, तो जितना भी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए उतना मैंने जो है इस वीडियो में बता दिया है। पर हो सकता है कि आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि मैं छोड़ रहा हूँ या फिर मुझे छूट रही हो, तो अगर आपको जो है एरिना फाइट को लेकर जो है और भी कुछ जानना है, और भी कुछ आप जानना चाहते हो, और भी कुछ चीज़ें आप जो है समझना चाहते हो, तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता देना गाइस। और अगर आपको जो है स्टैंड प्लेस टू से रिलेटेड किसी भी और टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। और फिर हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरा ये पिछले वाला इसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्या बुक सेलर का सीन क्या होता है, ट्रैवलर का सीन क्या होता है, ऐसा चीज़ मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा आपसे। तो ठीक है, इस वाले वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।